दोस्तों नमस्कार, ये डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की है। डिक्टेशन नंबर 5 है, स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं, यह यथार्थ सत्य है और सदियों से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, रहन सहन और उनकी शिक्षा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा भौतिकवाद ने हर छोटे बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों को किस तरह का उनका हक दिलाया जाए जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सकें। पिछले कुछ दशकों से बच्चों के भविष्य को लेकर उपजी चिंताओं ने वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को शोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है। नित नई नई समस्याओं ने माता पिता को दुविधा में डाल दिया है। एक ओर जहां जीवन यापन के लिए महिलाएं भी पुरुषों की तरह कमर कसकर घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं, वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गड़बड़ाने लगी है। आजीविका कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दंपत्ति को जीवनशैली बदलने पर मजबूर कर दिया है। समाज में हो रहे इस बदलाव के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा उपेक्षित होने लगे हैं। अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक यह स्पष्ट है कि अगर बच्चों के प्रति माता पिता की उदासीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्थ्य। माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते। इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे, और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। असमय खाने पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इन बच्चों में मोटापा होना प्रमुख है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि विकसित देशों में खास तौर से बच्चों का मोटापा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले 5 दशकों से खास तौर से अमेरिका में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या दुगनी हो गई है। कुल मिलाकर 6 से 17 वर्ष की उम्र के ऐसे अमेरिकी बच्चों की संख्या लगभग 47 लाख थी। यही नहीं, इस उम्र के मोटापे के शिकार बच्चों का कुल औसत
10.9% था। ऐसे बच्चों की प्रतिशत औसत की तुलना में दोगुना से अधिक थी। इनमें मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या पिछले 10-12 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। महोदय, विकसित देशों की भांति विकासशील देशों में फिलहाल यह समस्या नहीं है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में विशेषकर संभ्रांत परिवारों और कामकाजी माता पिता के बच्चों के बीच मोटापे की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। वैसे तो बच्चों के मोटे होने के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जैसे उनके पैतृक गुण, भूख, उनका स्वभाव और दुखी होना। किन्हीं विशेष प्रकरणों में हार्मोन संचय में गड़बड़ी होना मोटापे का कारण बन जाता है। यदि बच्चे के माता पिता मोटे हैं तो बच्चे की भी मोटे होने की संभावना बढ़ जाती है। पैतृक कारणों के अलावा बच्चे का स्वभाव भी उसके मोटापे के लिए जिम्मेदार साबित होता है। जो बच्चे ज़्यादा नाखुश रहते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा खाने के आदि हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में असमय खाने की आदतें कहीं ज़्यादा होती हैं। जब कभी उनका मन नहीं लगता वे कुछ खा पी कर अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे यह आदत बढ़ती जाती है, जो उनके मोटापे का कारण बन जाती है। इसके अलावा जो बच्चे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं रखते उनके भी मोटा होने की संभावना होती है। व्यायाम की कमी से शरीर की ऊर्जा चर्बी में परिणत होने लगती है। इन सब परिस्थितियों में मोटापे के आसार बढ़ने लगते हैं। अधिक भूख लगना और अधिक भोजन खाना मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। नवजात शिशु ही क्यों ना हो, उसे आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना अवांछनीय है। दूध के स्थान पर ठोस आहार देना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके खाने पीने में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें चर्बी बढ़ाने का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थ खासकर घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल अनुपात से ज़्यादा न होने पाए। करीब 6-7 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का शारीरिक विकास अत्यधिक तेज हो जाता है। इस उम्र के दौरान विभिन्न शारीरिक एवं हार्मोन परिवर्तनों के कारण बच्चों में मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। मोटापा बच्चों के लिए कई बार अभिशाप बन जाता है। अन्य बच्चे उसे मोटा कहकर चिढ़ाते हैं तथा उसके साथ खेलना बंद नहीं करते। इस प्रकार दुखी होने और अकेलेपन के कारण स्वयं को सांत्वना देने के लिए बच्चा सामान्य से क्रमशः मोटा ही होता चला जाता है। इतना ही नहीं, यही मोटापा बच्चे के आलसी होने का मुख्य कारण बनता है। सामान्य जीवन में वह और बच्चों की तुलना में पहले खेलने कूदने में और फिर कई बार पढ़ने लिखने में पिछड़ने लगता है। यही नहीं, बचपन का मोटापा युवावस्था और अधिक उम्र होने पर रोगों का कारण बनता है। मोटापा हृदय रोग,
कुछ प्रकार के कैंसर और समय से पहले मौत का प्रमुख कारण बन जाता है। अत्यधिक मोटापा शरीर में चर्बी को जन्म देता है, जिसका असर रक्त की धमनियों और सिराओं पर पड़ने लगता है। स्टॉप।